सकते हैं। और टावर दिखाई दे रहा है, वॉच टावर, जो कि प्राग महल का है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आप लोगों को घुमाने जा रहे हैं 450 साल पुराना मानव निर्मित कृत्रिम झील का। दोस्तों यह झील दोस्तों 69 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है दोस्तों, और झील के बीचों बीच में एक आइलैंड बनाया गया है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भूज सिटी है और ये देखिए रोड है, रोड के किनारे ही ये झील स्थित है दोस्तों। और ये सामने है कच्छ संग्रहालय, और ये जो है बस स्टॉप से जो रोड आता है वो वाला रोड है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें बीचों बीच में एक आइलैंड है, आइलैंड भी दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। तो आइए चलिए हम आप लोगों के साथ मिलकर घूमते हैं। हमीरसर झील एक मानव निर्मित झील है जो भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के मुख्यालय भुज के केंद्र में स्थित है। हमीरसर झील 450 साल पुरानी झील है, जिसका नाम भुज के संस्थापक जडेजा शासक राव हमीर के नाम पर रखा गया है। झील का निर्माण कच्छ में जडेजा राजवंश के संस्थापक राव। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा तालाब है, और ये तालाब बताने वाले बता रहे हैं कि 25 एकड़ भूमि में है। और सामने देख सकते हैं वो टावर दिखाई दे रहा है, वॉच टावर, जो कि प्राग महल का है, बहुत ही खूबसूरत। और ये भुज सिटी आपके सामने इधर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और तालाब के बीचों बीच में बाघ है दोस्तों, देख सकते हैं बाघ में चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो देख सकते हैं दोस्तों तालाब बीच से दो हिस्सों में बटा हुआ है, और ये साइड भी दोस्तों देख सकते हैं, और ये साइड भी तालाब है, और बीच में रास्ता है आगे चल के, वो बागीचा है एक छोटा सा लोगों के घूमने के लिए। तो देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है दोस्तों ये। किसी समय में बताने वाले बताते हैं कि ये भुज सिटी को पूरा पानी सप्लाई करता था दोस्तों, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। भूकंप आने के बाद इसके सारे सप्लाई लाइन कट गई, कुछ नदियों को जोड़ा गया था। नार जी प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था, जिन्होंने इसका नाम अपने पिता राव हमीर के नाम पर रखा था। राव खेंगार जी प्रथम ने इस जगह को खारे पानी और शुष्क कच्छ में से एक मरुद्यान के रूप में चुना, और कई दशकों तक भुज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तीन नदी प्रणालियों से पानी लाने का और जल भरत को रिचार्ज करने के लिए नहरों और सुरंगों का विकास किया। दोस्तों देख सकते हैं ये जो आइलैंड है, मानव निर्मित आइलैंड है दोस्तों, ये झील के बीचों बीच में बनाया गया है दोस्तों। झील बता दें आपको कि 69 हेक्टेयर में जो झील का निर्माण हुआ है, बहुत ज़्यादा भूमि में इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ का आइलैंड कितना हरा भरा है दोस्तों, जो कि मानव निर्मित है दोस्तों, है ना अपने आप में अजूबा। ये था दोस्तों तालाब के बीचों बीच में एक छोटा सा बागीचा, जहाँ पर लोग आके आराम करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो भुज बस स्टॉप आइए, वहाँ से 1 किलोमीटर है, पैदल भी आ सकते हैं पश्चिम दिशा में। और इधर ही प्राग महल भी है, आईना महल भी है, ये आप सब घूम सकते हैं। कच्छ संग्रहालय भी है, ये सब घूम सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा की परंपरा भी होती थी, जब इसमें पूरा पानी झील में भर जाता था बारिश से और चारों तरफ से पानी आ जाता था, तो लोग राजघराने के लोग पूजा करते थे और लड्डू और प्रसाद वितरित करते थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।